आज मैं एक नया टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी जरूरत आगे अभी और सारे टॉपिक में आने वाली है। उस टॉपिक का नाम है रेशियो, रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये कंबाइंड पैकेज है। तो मैं अभी आपको रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन रेशियो के कभी पूछे जाते हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो इस्तेमाल होगा मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चंस करने में। कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रेशियो बचपन से आपने पढ़ रखा है कि अगर a is to b equals to c is to d दिया हो, ठीक है, तो आप अब ये तो रेशियो है, अगर इसकी वैल्यू पता करनी हो, तो अगर रेशियो दिया हुआ और उसकी वैल्यू पता करनी है तो उसको आपको किसी k या n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए a is to b equals to c is to d दिया हुआ है, b और c और d की वैल्यू दी हुई है, तो मुझे a निकालना है, मैं a निकालूंगा। अगर मुझे इससे रेशियो से हटाना है तो मैं a नहीं लिखूंगा, मैं a into n लिखूंगा या a into k लिखूंगा। तो ये आपने बचपन में किया हुआ है तो ये आपको समझ में आता होगा। बचपन में एक और चीज आपने सीखा था वो ये वाला कंपोनेंडो डिविडेंडो, वो वाला फॉर्मूला। a by b, a is to b equals to c is to d दिया हुआ है, तो आप इसको अल्टरनेट मतलब आप उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब b by a equals to d by c भी हो सकता है। अगर a by b बराबर है c by d के तो उल्टा भी सही है, मतलब b by a बराबर है d by c के। अच्छा a by b बराबर है c by d के, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मैं इधर ले आया c को यहां और यहां पे b को वहां कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं a by c equals to b by d, सिंपल है। सर अब आता है कंपोनेंडो, a by b बराबर है c by d, तो आप इसको लिख सकते हैं a plus b numerator plus denominator divided by denominator, a plus b upon a equals to c plus d upon d। डिविडेंडो a by b बराबर है c by d, तो a minus b upon b बराबर है c minus d upon d, डिविडेंडो, ठीक है, माइनस करके लिख दिया। अब क्या है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, a plus b upon a minus b बराबर है c plus d upon c minus d। अच्छा इस पे कई बार क्वेश्चन आता है, अगर आपको दिख जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा दे रहा हूं कि a plus b upon a minus b बराबर है 9 by 7, और मेरे से पूछ लिया कि बताओ फिर a square minus b square क्या होगा। a plus b upon a minus b equals to 9 by 7 दिया है और मेरे से पूछ रहा है कि a square minus b square की वैल्यू बताओ। अब ये दिख रहा है सामने से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है, क्या है ये a plus b है तो ये क्या होगा 8 plus 1 है और ये 8 minus 1 है, तो हमारा a और b क्या हो गया भाई, a और b हो गया, a हो गया हमारा 8 और b हो गया हमारा 1। हमसे पूछा है a square minus b square, 8 का square minus 1 का square, 88 64 minus 8 बोला तो 63 आंसर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। सर आगे बढ़ता हूं मैं, इसमें एक अच्छी चीज आपको जो सीखने की है जो बहुत काम आएगी पेपर में वो है ये वाली, ये आपको नोट डाउन करना है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके प्रॉपर्टी पे अगर पेपर में आ जाए तो आपको यूज करना है, a by b बराबर है c by d बराबर है e by f बराबर, तो वो बराबर होगा a plus c plus e, ऊपर वाले न्यूमरेटर को जोड़ दो और नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को जोड़ दो। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ये आपके काम की है, इसको आपको याद रखना है कि a by b बराबर है c by d बराबर है e by f, तो वो बराबर होगा a plus c plus e divided by b plus d plus f। एक्चुअली इसके पावर के भी बराबर होता है, तो आप देख लीजिएगा उस क्वेश्चन अगर आता है उस तरह का। अब मैं आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाना चाह रहा था वो ये था जो आप सीखेंगे। सर कभी दिया हो a is to b दिया हो 2 is to 3 और आपको दिया हो b is to c दिया हो मान लो 5 is to से 7 और आपसे पूछ दे कि बताओ a is to b is to c क्या। अभी तक आप इसको k की वैल्यू माने फिर जोड़े ऐसे करके करते थे, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा एकदम फटाक से होने वाला तरीका। सर b हमारा दोनों में कॉमन है तो मैं यहां लिखूंगा 2 is to 3 और जो b चूंकि कॉमन है तो मैं इसको नीचे लिखूंगा b के नीचे b, ठीक है, और ये लिख दिया 3 के नीचे 5 और ये 7, ये मेरा a is to b है और ये मेरा b is to c है, b के नीचे b लिखा है, ठीक है,
क्योंकि ये कॉमन था। अब मैं ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इससे, इसको इससे और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो गया मेरा 10, ये हो गया 15 और ये हो गया 21। मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू आ गई। क्या करना है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मुझे ए टू बी दिया हुआ था, बी टू सी दिया हुआ था, मैंने बी के नीचे बी लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया और इसको इससे किया, तो मेरे पास ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू आ गई। जरूरी नहीं है कि ए बी सी में बी ही कॉमन, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां दिया हुआ है ए इज टू बी की वैल्यू दी हुई है, ए इज टू बी की वैल्यू दी हुई है लेट अस से 3:2, और मुझे दिया हुआ है सी इज टू ए की वैल्यू दी हुई है लेट अस से 5:7। अब मेरे से पूछा कि ए इज टू बी इज टू सी निकाल के बताओ। सर फिर से आसान सा है, ए मेरा दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सी इज टू ए को ए इज टू सी लिख लेता हूं, ए इज टू सी लिख लेता हूं, तो मैं यहां हो गया ए इज टू सी मेरी वैल्यू हो गई 7:5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ए मेरा यहां कॉमन है, ए यहां कॉमन है, अच्छा एक काम करता हूं, इसको भी मैं ऐसे लेता हूं क्योंकि मुझे बी इज टू ए लेना है, तो मैं बी इज टू ए भी ले लिया, ये हो गया 2:3, 3 और 7 ये दोनों मेरा कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां से लिखूंगा, मेरा आएगा ऐसे आएगा बी इज टू ए और यहां आएगा ए इज टू सी। अब बी इज टू ए मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 2:3, और ए इज टू सी कितना दिया हुआ है मेरा 7:5। मुझे क्या करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये मेरी वैल्यू आ गई, ये मेरी वैल्यू आएगी बी इज टू ए इज टू सी की वैल्यू आएगी 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 और 5 × 3 = 15। ये मेरी B is to A is to C की वैल्यू आई, ऑप्शन में दिया रहेगा, गलती नहीं करना है। मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा है A is to B is to C, तो B और A को अभी मुझे चेंज करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 21 और ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा मेरा 15। आंसर सर आपके मन में आ रहा होगा कि सर A B C तीन वेरिएबल में तो आप बढ़िया बता रहे हो, अगर चार वेरिएबल और D भी आ जाए तब क्या करेंगे? लो भाई सर, ए इज टू बी की वैल्यू दी हुई है 2:1, बी इज टू सी की वैल्यू दी हुई है 3:5 और सी इज टू डी की वैल्यू दी हुई है 7:2, तो मुझे बताना है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी की वैल्यू बतानी है। सिंपल है, पहले मैं ए इज टू बी इज टू सी निकाल लेता हूं 2:1 और यह हो गया 3:5, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये हो गया मेरा 6, ये 3 और ये हो गया मेरा 5। ये क्या आया है मेरा A is to B is to C आया है। अब मुझे लेना था A is to B is to C is to D भी निकालना है। C मेरा यहां पे कॉमन है, ये 7 और यहां पे 5। अब मैं क्या करूंगा अगले स्टेप में, इसके साथ में C और D को कंपेयर कर दूंगा, तो मेरा ABC का वैल्यू रेशियो था 6:3:5, इसके नीचे मैंने लिख दिया 7:2, C is to D लिख दिया, सी दोनों में कॉमन है इसलिए एक दूसरे के नीचे। अब इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू आ रही है 7×6 = 42, ये हो गया 21 और ये हो गया 35 और ये हो गया 10। अगर ये चारों आपस में कहीं से कॉमन फैक्टर हो, कट रहे हो, तो उसको काट भी लेंगे, ऐसे ही कट नहीं रहा है तो आंसर मेरा हो गया ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इक्वल टू 42:21:35:2। तो ये एक शानदार तरीका मैंने आपको सिखा दिया, अब इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कीजिएगा।